आदाब सामईन, यानी कि मेरे सुनने वालों, आप सुन रहे हैं लम्हे विद ज़ैन, ओनली ऑन बिग एफएम। लम्हे जो कुछ पलों के मेहमान होते हैं, मगर एहसास जिंदगी भर का दे जाते हैं। लम्हे विद ज़ैन, सिर्फ बिग एफएम पर। आज की कहानी है बीटबॉक्सर पापा। दुनिया में हर किसी के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई बना है, ये तो सब कहते हैं, पर उस इंसान को पा लेने के लिए स्ट्रगल भी कितना होगा, कितना दर्द, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, ये कोई नहीं बताता। मनन और आयशा को देखते ही एक दूसरे से प्यार हो गया। मनन ने अभी कुछ दिनों पहले अपना सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा किया था। वो नहीं चाहता था कि फैमिलीज को उनके रिलेशनशिप्स के बारे में इतनी जल्दी पता चले। मनन पहले जॉब ढूंढना चाहता था, फिर वो खुद आयशा के अब्बा से बात करने वाला था। पर इश्क और मुश्त छुपाए नहीं छुपते। आयशा के घर वालों को पता चल गया और वो राजी नहीं हुए, इसलिए दोनों को भाग कर शादी करनी पड़ी। मनन को एक MNC में जॉब मिल गई। दोनों ने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। पर मनन को ये बात खाई जा रही थी कि वो आयशा को खुश नहीं रख पा रहा था। तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो, मैं भी तो जॉब ढूंढ रही हूँ ना, दोनों मिलकर संभाल लेंगे। हाँ, पर सब कुछ इतना जल्दी हो गया, कुछ प्लान करने का वक्त ही नहीं मिला। ना तुम दुल्हन बनी, ना कोई जेवर है तुम्हारे पास। एक वक्त बाहर खाना खा ले तो महीने का बजट बिगड़ जाता है। पर मैं खुश हूँ, कम से कम हम दोनों साथ तो हैं। साथ? हाँ। सुनो, एक बात करनी थी तुमसे। इतनी जल्दी कोई दूसरी पसंद आ गई क्या? एक को तो खुश रख नहीं पा रहा, तुम भी ना आयशा। तुम शादी के बाद थोड़ा निरुपा रॉय टाइप नहीं बन गए? मैंने बहरीन में जॉब के लिए अप्लाई किया था और मेरा सिलेक्शन हो गया है। आयशा कुछ नहीं बोली। मनन ने उनका फ्यूचर सुधारने की ठान ली थी। उसकी डिटर्मिनेशन के आगे आयशा के सारे आर्ग्यूमेंट्स कमजोर पड़ गए। फिर वो दिन भी आ गया जब एयरपोर्ट पर दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। आयशा, अपना ध्यान रखना, अपनी बहन के पास चली जाया करना, अकेलापन नहीं लगेगा, खालीपन महसूस नहीं होगा। क्यों कर रहे हो ये सब? क्या जरूरत है ये सब करने की? छोड़ो, कोई फायदा तो है नहीं। तुम तो जा रहे हो, और दीदी के पास जाने से क्या तुम्हारी कमी पूरी हो जाएगी? आयशा, पहली सैलरी आई है आज, वो भी दिनार में। पता है, पहले मुझे लगा इतने से पैसों के लिए मैं तुमसे इतना दूर रह रहा हूँ। कन्वर्ट किया तो मजा ही आ गया। कब आओगे वापस? अभी तो गया था। थोड़ा सबर कर लो, हमारे लिए ही तो कर रहा हूँ। डोंट वरी यार, बहरीन में वैसे भी लड़कियाँ इतनी कुछ खास नहीं है। अरे से आगे भी तो कुछ बढ़ो, क्या हुआ है? मनन, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आयशा का केस भी कुछ पेचीदा था और ना वो अबॉर्शन जैसा स्टेप उठाना चाहती थी। दोनों ने अपनी तकदीर समझकर इस बात को कबूल कर लिया कि शायद ये अच्छा है कि अब अकेले शहर में आयशा का दिल लगा रहेगा। और इस तरह हुई पैदाइश इस कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट किरदार मीशा की। क्रिएटिव, ऑप्टिमिस्टिक और अपने आप में रहने वाली मीशा दूर होते हुए भी अपने पापा की जान बन गई। तुम्हारे पापा पिछले कुछ दिनों से तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं बेटा। अच्छा मॉम, आपको पता है बहरीन का जो नेटिव म्यूजिक है, इट्स अ फ्यूजन ऑफ अफ्रीकन, इंडियन एंड पर्शियन म्यूजिक। हम चलेंगे ना लाइव परफॉर्मेंस देखने के लिए? तुम्हारे पापा को भी म्यूजिक का बहुत शौक है, तुम्हें वो जो क्लिप्स भेजते रहते हैं देखा है तुमने कभी? मम्मा, उनके ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अलग होते हैं। मिशा, तुम मिस नहीं करती अपने पापा को? क्या मिस नहीं करती मॉम? मीशा अपनी जगह सही है, कुछ मिस करने के लिए भी पहले उसे एक्सपीरियंस करना जरूरी है। मनन ने कभी 15 दिनों की छुट्टी के अलावा उसके साथ वक्त बिताया ही नहीं। हर बार जब वो बहरीन जाते तो आयशा की दो ही कोशिशें होती, मनन को मना ले कि वो अब वापस आ जाए और मीशा को कन्विंस कर ले कि उसके पापा जो कर रहे हैं उसके फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं। मीशा के आने से मनन बाप तो बन गया, पर क्या वो मीशा के पापा बनने तक का सफर तय कर पाएगा? मीशा अब बड़ी हो गई थी। हर साल मनन से मिलने बहरीन जाना आयशा और मीशा के लिए रूटीन का हिस्सा बन चुका था। मीशा, शवरमा खाओगी? नो थैंक्स। ये सामने जो
बोरियन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ना, इट इज द फर्स्ट स्क्राइस्क्रैपर इन द वर्ल्ड जिसने विंड टर्बाइन इंटीग्रेट किया है अपनी डिजाइन में, और इसे अवार्ड भी मिला है फॉर द बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन अ लार्ज स्कीम। गेस वो कंपनी किसकी थी? बता दीजिए। हमारी। निशा, वैसे आयशा बता रही थी कि तुम बहुत अच्छा गिटार बजाती हो, एक गाना हो जाए? एक सेकंड, गिटार निकालू फिर सुनाती हूँ। मिशा, पहला नशा आता है या फिर गिव मी सम सनशाइन या आई डोंट लाइक फिल्मी सॉन्ग्स, मैं ओरिजिनल गाती हूँ। ओह, मतलब खुद का लिखा हुआ? अरे तुम गाने भी लिखती हो? सूरज भी तो रोज डूबता है, राही भी भूल कर रास्ता, एक नया पता पूछता है, सबको मंजिल मिल ही जाती है, जब सामने नई सुबह नजर आती है। सामने की जगह खुद में एक नई सुबह नजर आती है, बेटर है ना? बेटर तो है। वैसे पूछोगी नहीं ये टैलेंटेड जीन्स आए कहाँ से तुम में? जान के क्या कर लूंगी। बट स्टिल आप बता ही दीजिए। छोड़ो, फिर कभी। मीशा के पापा सालों से जो ऑडियो क्लिप्स भेज रहे हैं वो अगर उसने सुन लिए होते तो शायद ये सवाल नहीं पूछती। मनन हर साल ऐसे ही कोशिश करता था मीशा के करीब आने की, पर मीशा ने अपने आसपास जो दीवार बना रखी थी मनन उसे तोड़ नहीं पा रहा था। मीशा अब 17 साल की हो गई थी। मनन को आज सच में लगा कि अब वापस जाने का वक्त हो गया है। घर का लोन भी खत्म हो जाएगा यही कुछ साल दो साल में, फिर वो आराम से घर जा सकता है। पर अपने हर प्लान की तरह क्या वो इस प्लान को सक्सेसफुली पूरा कर पाएगा? अभी वो बैंगलोर वापस आने की सोच ही रहा था कि गल्फ में रिसेशन की वजह से इंडियंस ने अपनी जॉब खो दी और मनन उनमें से एक था। इस बार बहुत जबरदस्त दुआ की थी तुमने शायद, उन्होंने खुद ही वापस भेज दिया। स्ट्रेस मत लो, आई थिंक तुम कुछ दिन आराम करो, फैमिली से मिलो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, निशा से घुलो मिलो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, बाकी सब तो मैनेज हो ही जाएगा। स्ट्रेस पैसों का नहीं है आयशा, 41 का हो गया हूँ, बाकी की बची लाइफ का है, ना कोई कनेक्शन ना कोई फ्रेंड्स, यहाँ बैंगलोर में अब फिर से काम। अरे तुम इस सिचुएशन को एक नई शुरुआत की तरह क्यों नहीं लेते? शायद भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है मीशा के पापा बनने का। आयशा और मनन की बातें मीशा दूर खड़ी चुपके से सुन रही थी, पर वो चाह कर भी अपने पापा को कुछ बोल नहीं पा रही थी। यहां मनन अपने आप को बिजी रखने के लिए घर के कामों में ध्यान देने लगा, और इन्हीं में से एक काम था मीशा को उसकी गिटार क्लास से पिक और ड्रॉप करना। आप पहुंच गए? बेटा पापा भी तो बोल सकती हो ना। पापा पहुंच गए? यस बेटा। आपको ना थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आई विल टेक सम टाइम। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। अब क्या करें? अरे रे रे, कहाँ लगी चोट? ओहो, हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी। ये आप थे? कब, कैसे? आप बीटबॉक्सिंग करते हो? हाँ, वो बहरेन में जब कुछ करने के लिए नहीं होता था तो कभी कभी प्रैक्टिस कर लेता था। ये कभी कभी की प्रैक्टिस नहीं है, यू आर सो गुड, आपने बताया क्यों नहीं अभी तक? बताया तो था अपने लेटर्स में, अपने मैसेजेस में तुमको, पर खैर। अपने पापा को बीटबॉक्सिंग करते देख मीशा को बहुत बड़ा झटका लगा। शायद ये उसके लिए इतना बड़ा सरप्राइज नहीं होता अगर उसने अपने पापा के भेजे मैसेजेस सुन लिए होते। उसे लगा कि इस रिश्ते पर बरसों से पड़ी धूल कुछ साफ होने लगी, पर इतने सालों का फासला बिना कड़वाहट के कैसे खत्म हो सकता है? ये भूख हड़ताल का आइडिया कहाँ से आया आपको? कुछ नहीं, ऐसे ही। तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना कि 41 साल के बंदे को टीनेजर जैसा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस? अजीब आपकी हालत नहीं, अजीब ये लग रहा है कि आप इसे कितना बड़ा बना रहे हो। तुम कुछ नहीं जानते मीशा, फॉरगेट इट। आप कुछ नहीं जानते? पता है जब स्कूल में मेरे फ्रेंड्स अपने डैड के बारे में बात करते थे मेरा हमेशा अपर हैंड होता था,
क्योंकि आपकी एब्सेंस में मैंने एक परफेक्ट डैड को अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट किया था। वो डैड जो अपने प्यार के लिए दुनिया से लड़ गए, वो डैड जिन्होंने अपने पहले हमेशा अपनी वाइफ की सोची, वो डैड जिसकी बेटी का कंसीव होना एक इतना बड़ा शौक था, फिर भी सालों चुपचाप रहकर उन्होंने उसके फ्यूचर की तैयारी की, वो डैड जो अपना पैशन नहीं जी पाए क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए जीना चाहते थे। जब जिंदगी में हमेशा उठकर दूसरों के लिए करते आए हो तो अब अपने लिए करने में क्या शर्म। तुमने मेरे बर्थडे मैसेजेस पढ़े थे? नहीं, आपके नाम का मेंशन ही मुझे इरिटेट कर देता था। मेरी डेस्परेट बीटबॉक्सिंग की तरह? हाँ, ये हॉबी नहीं है डैड, ये एक अनोखा टैलेंट है, छुपा के क्या मिलेगा। हाँ तो तुम भी कुछ मत छुपाओ ना, जो दिल में है वो कह दो, मुझे अब क्या ही बुरा लग सकता है। शायद मेरे लेटर्स और मैसेजेस पढ़ लेती तो मैं अपने आप को अच्छे से प्रूव कर सकता था बेटा। पढ़ लूंगी अब, लाइफ ने मौका दिया है कि आप अपने लिए कुछ कर सकते हो तो करो, भूखे रह के जवाब नहीं मिलेगा, जवाब आपके अंदर है। एक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, मीशा अपने डैड को माफ कर पाएगी? खामोशी भी अजीब तरह से चीखती है। पिछले चंद मिनटों में मानो बाप और बेटी के बीच की बरसों की भड़ास निकल गई हो, पूरा दिल खाली करके रख दिया। मीशा ने जब इतने सालों की खामोशी तोड़ी तो कहीं ना कहीं मनन की हिम्मत जुड़ गई। बस मनन को अपने आप को मनाना था कि वक्त आ गया है अपनी सेकंड इनिंग से लाइफ की नई शुरुआत करने का। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। नाश्ता तैयार है, बालकनी में आ जाओ। और हाँ, तुम्हारी मम्मी आज योगा क्लासेस चली गई हैं और वो सुपरमार्केट है ना, वहाँ जाकर ही लौटेंगी। मैंने पूछा ही नहीं कि माँ कहाँ है। हाँ पूछा तो नहीं। मीशा, जवाब नहीं मिला मुझे। किसका? कि तुम मुझे माफ कर पाओगी कभी? हुँ? हाँ ना, अरे कुछ तो बोलो। बोलना बहुत जरूरी है ना आपके लिए डैड, एक्सप्रेशन के और भी तो तरीके होते हैं। हाँ होते हैं, जैसे कि तुम्हारे लिए गाना। हाँ और आपके लिए। सूरज भी तो रोज डूबता है, राही भी भूल कर रास्ता, एक नया पता पूछता है, सबको मंजिल मिल ही जाती है, जब सामने नई सुबह नजर आती है, आती है। ये सुबह कुछ और ही थी। सुबह को स्पेशल इसलिए माना जाता है क्योंकि वो खाली पन्ने की तरह होती है, उस पर कुछ भी नया लिखा जा सकता है। एक नई शुरुआत जैसे इस कहानी में हुई, ना सिर्फ मनन के करियर की पर बाप बेटी के इस रिश्ते की भी। रिश्तों में फासला भी एक डोर से बंधा होता है जिसे थामकर जब दो लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो पास आते देर नहीं लगती। मनन और मीशा ने ऐसी ही अपनी जुगलबंदी का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। मीशा और उसके कूल पापा का वीडियो वायरल हो गया, जिस खूबसूरती के साथ बाप और बेटी के रिश्ते के फासले मिट गए। ऐसे ही आपके ऐसे कुछ रिश्ते होंगे जिनमें फासले होंगे, दूरियां होंगी। सोचिए मत, ऐसी कोई ना कोई डोर जरूर होगी जिसको थाम कर आप इन फासलों को मिटा सकते हैं। तो देर किस बात की, कदम बढ़ाइए। रिश्तों, फासलों और उनके बीच की एक खूबसूरत डोर पर यह कहानी लिखी थी अर्जुमन ने। आपको कैसी लगी बताइए हमें, और 9323927927 पर। और हमारे बीच के ये रिश्ते हमेशा कायम रहे और दूरियां कभी ना बने, इसलिए लौट के आइए ऑन लम्हे विद ज़ैन, ओनली ऑन बिग एफएम।